नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरफैक्ट यूट्यूब चैनल। आप कृष्ण अभिषेक को तो जानते ही है, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का जो एक्टर है उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉमेडी सीन्स पे एक्टिंग की है जो कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार तरीके से इंटरनेट पे अभी भी चल रहा है, मतलब कि कॉमेडी शो पे, और द ग्रेट इंडियन कपिल शो उनमें से एक है। लेकिन इस जो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के जो सीजन 2 चल रहा है उन पे एक एपिसोड था जहाँ पे काजल ने आए थे, तो उन्होंने काजल को मतलब कि एक बंगाली सॉन्ग के जरिए मतलब इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज की, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सारे लोग ने उस समय हंस पड़े, मतलब कि उस जो एपिसोड था वो काफ़ी ज़्यादा फनी भी था, लेकिन फिर भी उस जो बंगाली सॉन्ग के ऊपर उनको क्रिटिसाइज की, क्योंकि काजल एक बंगाली मतलब ओरिजिन एक्ट्रेस है, तो उन्होंने मतलब कि कुछ भी नहीं बोली, उन्होंने भी हंस पड़े थे। लेकिन बाद में उस जो एपिसोड था वहाँ पे उस जो छोटा सा क्लिप था उस क्लिप के ऊपर बहुत सारे बंगाली जो डायरेक्टर है या फिर कंपोजर म्यूज़िक कंपोजर है, इस तरह से बहुत सारे लोगों ने उन कृष्ण अभिषेक से को इसके लिए मतलब बोलना चालू कर दिया, और ये भी बोलने लगे कि इसके लिए उनको माफ़ी भी मांगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बंगाली जो सॉन्ग है उसको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी तरीके से उनको उन गाने के ऊपर मतलब पेश आए, तो इसलिए जो फिल्म डायरेक्टर है श्रीजात, तो उन्होंने बंगाली फिल्म डायरेक्टर श्रीजात है, उन्होंने उसके ऊपर मतलब कृष्णा को उस अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे कृष्णा को टैग की और फिर उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए भी बोल दिया। लेकिन आप इसमें से एक छोटा सा बात यह है कि कृष्णा अभिषेक जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक कॉमेडियन है, उन्होंने हर वक्त लोगों को छोटा दिखाकर ही कॉमेडी करते हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग उस जो पोस्ट है उसके नीचे कॉमेंट कर रहा है, क्योंकि कपिल शर्मा और कृष्णा अभिषेक इन दोनों जो एक्टर है उन लोग सारे लोग मतलब इन दोनों ही सारे लोगों को हमेशा क्रिटिसाइज करता है और मतलब छोटा दिखाता है, फिर उन्होंने अपना कॉमेडी ख़त्म करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सुनील ग्रोवर है या फिर कीकू सरदा है या फिर राजीव ठाकुर है, उन्होंने उतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते हैं हमेशा, मतलब कि उन्होंने अपना टैलेंट दिखाता है। लेकिन कृष्णा अभिषेक कपिल शर्मा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखाते हैं, तो इसीलिए मतलब कि जो उस मतलब कृष्णा अभिषेक खुद तो इस जो गाना है बंगाली सॉन्ग उसके ऊपर कमेंट नहीं की होगी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट के अंदर ही शायद होना चाहिए था, लेकिन वो स्क्रिप्ट के अंदर ही था या फिर जो कि कृष्णा अभिषेक है वो खुद ये बोले हैं उसके बारे में खुलासा अभी भी नहीं हुआ है। लेकिन एक सीनियर कॉमेडियन एक्टर होने के नाते इस तरह से हरकतें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यही हम मानते हैं। आप क्या मानते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।